सब्जी महंगा मिल रहा है सस्ता मिल रहा है? बड़ी महंगा मिल रहा है। महंगा मिल रहा है, हाँ। कैसे लेते थे पहले और अभी कैसे ले रहे हैं? अरे पहले के बात छोड़ू ना, आपके बात कहूँगा। आज कितना रुपया में लगेगा? यही इतना तो 1000 रुपया का हो गया। 1000 रुपया का सब्जी? हाँ, 100 रुपया में एक थैला होता था, आज 200 सामान लिए। नमस्कार, बिहार इन शॉर्ट्स देख रहे हैं आप, मैं हूँ आपके साथ अनिकेत कुमार। इस वक्त हम पटना के अंटा घाट सब्जी बाजार में मौजूद हैं और आपको बता दें कि जिस तरीके से केंद्र सरकार ने लोगों के लिए जो पेट्रोल की और डीजल की कीमतों में कटौती की है, जिस तरीके से रेट जो है उसको घटाया गया है, और उम्मीदें हैं बिहार सरकार ने जिस तरीके से बिहार के मुख्यमंत्री ने ट्वीट किया और उसके बाद उम्मीद है कि कल 2 रुपये तक और सस्ता पेट्रोल हो जाएगा। लेकिन सब्जी बाज़ार का क्या स्थिति है वो हम देखने आए हैं। तस्वीरें देखिए, सबसे पहले अंटा घाट सब्जी बाज़ार में हम, और यहाँ पर लोगों की, सैकड़ों लोगों की हमेशा भीड़ रहती थी, लोग खरीदने के लिए उमड़े रहते थे। लेकिन तस्वीरें देखिए, सब्जियों की जो जिस तरीके से दाम बढ़े उसके बाद ग्राहकों का जो है आना लगभग कम हो गया है। हम कुछ सब्जी दुकानदारों से बातचीत करेंगे और कुछ खरीदारी करने वाले लोगों से भी इस मामले पर बातचीत करेंगे। देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर सामने लौकी रखी गई है, बैंगन के बिक रहा है, तो यहाँ पर हम बैंगन का रेट क्या चल रहा है हम जानेंगे सब्जी वाले भैया से। भैया क्या नाम है आपका? धर्मेंद्र कुमार। भैया बैंगन क्या रेट चल रहा है अभी? 70 रुपये। 70 रुपये। अच्छा, आम दिन भी बैंगन किस रेट पर चलता है? आमदान 20 रुपये किलो, 20 के 1.5 किलो। 20 रुपये में 1.5 किलो, और अभी 70 रुपये किलो चल रहा है जी। बिक्री उक्री होता है इससे? होता है, नॉर्मल होता है। अच्छा, पहले मतलब ग्राहक तो ज्यादा आते होंगे जब सस्ता बिकता होगा तो 20 रुपये? हाँ, खपत के अनुसार। अच्छा, दिवाली के अवसर पे पेट्रोल और डीजल का दाम कम आया गया है, तो क्या सब्जी के भी रेट कम चाहिए थे? कमेगी, आमदनी के अनुसार कमेगी। आमदनी रहने पर, आमदनी नहीं रहेगा तो नहीं कमेगा। ग्राहक अभी कम आते? ग्राहक तो वही आते हैं, मगर खपत कम है। लेने का 1/2 किलो लेता है पाव भर। 1 किलो लेने वाले 1/2 किलो जी। हाँ, तो कम खरीद रहे हैं। लौकी क्या रेट चल रहा है? 50 रुपये किलो है। 50 रुपये? हाँ। और नॉर्मल ऐसे कैसे रहता है? नॉर्मल 20 रुपये किलो। लौकी 20 रुपये पीस मिलता है। हाँ, तो आप देख सकते हैं किस तरीके से इनका कहना है कि जो सब्जी 20 रुपये में आम दिन पर मिलती है वो इस वक्त 50 रुपये और 70 रुपये मिल रहा है। यहाँ पर हम कुछ और लोगों से भी बातचीत करेंगे जो लोग सब्जी खरीदने आए हैं। आप सब्जी खरीदने आई हैं? सब्जी खरीदने आए हैं? हाँ। महंगा लग रहा है, सस्ता लग रहा है? महंगा ही लग रहा है। महंगा लग रहा है। पेट्रोल डीजल के दामों में कटौती हुई है, घटा है, तो क्या सब्जी के दामों में भी घटना चाहिए थे? घटना चाहिए। कितना महंगा लग रहा है सब्जी लेने में? महंगा तो है सर, बहुत महंगा। पहले कैसे लेते थे और अभी कैसे ले रहे हैं? डबल है सब। डबल लग रहा है? हाँ, डबल है। चलिए कुछ और लोगों से बातचीत करेंगे। तस्वीर देखिए यहाँ पे किस तरीके से जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं सब्जी लेने के लिए, हम उनसे बातचीत करेंगे। चाची, सब्जी महंगा मिल रहा है कि सस्ता मिल रहा है? हाँ, सब्जी महंगा मिल रहा है कि सस्ता मिल रहा है? बड़ी महंगा मिल रहा है। महंगा मिल रहा है? हाँ। कैसे लेते थे पहले और अभी कैसे ले रहे हैं? अरे पहले के बात छोड़ू ना, आपके बात कहूँगा। कैसे अभी क्या खरीदे हैं? क्या खरीदे हैं अभी? अभी तो परवल किने हैं, भिंडी किने हैं, गोभी किने हैं, कद्दू किने हैं। अच्छा, इतना सामान पहले खरीदते थे तो कितना रुपए में हो जाता था और आज कितना? इतना याद रहा है बबुआ। अच्छा, आज से 2 महीना पहले खरीदते थे कितना हो जाता था? इतना याद ना रहा है कि अच्छा, आज कितना रुपया लग गया है? हा? आज कितना रुपए में लग गया? यही इतना तो 1000 रुपया का हो गया। 1000 रुपए का? हाँ, महंगा है। हाँ, महंगा है। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से इनका कहना है कि सब्जी जो है वो काफी महंगा बिक रहा है। इन्होंने 3-4 सब्जी खरीदा है और 1000 रुपये के करीब जो है इनका वो बिल बन गया है। यहाँ पर कुछ और भी लोग हैं जो सब्जी खरीदने यहाँ पर पहुँच रहे हैं, हम उन लोगों से भी बातचीत करेंगे। सब्जी खरीदे हैं? जी जी। सस्ता लग रहा है कि महंगा लग रहा है? महंगा लग रहा है कि सस्ता है। क्या क्या खरीदे हैं? गोभी लिए हैं, मूली लिए हैं, सब 40 रुपया, 100 रुपया गोभी। अच्छा, है पहले जब इतना सब्जी लेते तो कितना रुपया में मिल जाता था, आज कितना रुपया लग गया है? 100 रुपया में एक थैला होता था, आज तो 2 सामान लिए हैं। 2 सामान में 100 रुपया में बढ़ गया? तब पहले 100 रुपया पूरा एक थैला ले जाते तब इतना महंगा हो गया है कि अभी जा रहा है, देखते हैं 2 सामान लिए 100 रुपया घुस गया। जी का रेट बहुत महंगा। क्या सब्जी खरीदा आपने? देखिए, परवल, भिंडी, आलू। अच्छा, पहले खरीदते थे तो कितना पैसा लगता था, आज कितना लग गया? पहले तो 200 में बहुत सब्जी आती थी, अब 200 में तो 2-3 सब्जी आती है। महंगा हो गया पूरा? अब मोदी जी को वोट दिए तो इतना तो असर रहेगा ना, मतलब महंगा सही से खरीदना पड़ता है। बिल्कुल, 200 रुपये में एक झोला सब्जी जाता था, अब 1000 में झोलो नहीं भरता, और आधे झोला बिक्री कम होता होगा महंगा होने के कारण। हाँ, वो तो होबे करता है, बिक्री परेशानी होती है। परेशानी का जिसको जितना टारगेट रहता अपना लेता है, जितना हिम्मत है अपना खैबे करता है, ना के सवाल ही नहीं है। खाना है तो खाना है, पटाखा जलाना है तो जलाना है। बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है ये, जब तक मोदी जी को वोट दिए हैं इतना, देखिए जब सिर को डाले हैं उखली में तो मोदी जी जितना मार ले अगले बार देखा जाएगा। अगले बार बिल्कुल नहीं, ये तो जनता ही इतना
यहाँ की समझदार है कि उनको कुछ नहीं दिखता, अंध लोग हैं। गोभी और कुछ सब्जी नहीं खरीदे, वो सब्जी महंगा है। महंगा है हाँ, बहुत ज्यादा। गोभी भी एकदम 80 का सब चीज़, कोई सब्जी ही नहीं लिए, सिर्फ खाली खाली झोला है। अच्छा, पहले इतना सब्जी लेते तो कितना पैसा मिल जाता था, आज कितना लगा? अभी तो बहुत पैसा लग रहा है, पहले तो बहुत कम, मैंने 150 में हो जाता था सब्जी, फिर भी 100 में भी, अभी तो कुछ नहीं। 100 रुपये का एक गोभी हो रहा है सिर्फ, 80 रुपये का। बोलिए सर, क्या क्या सब्जी लिए? ये तो धनिया पत्ती लिए हैं, शिमला लिए हैं, नेनुआ लिए हैं, ये 300 रुपये लग गया। 300 रुपये में तीन सब्जी? हाँ, तीन सब्जी लेने में 300 रुपये लग गया। हाँ। अच्छा, पहले इतना सब्जी कितना? इतना 100 रुपये में आ जाता था। 100 रुपये में आ जाता था। हाँ। अब 300 रुपया, अब जिसका 6-7 को फैमिली होगा वो कैसे काम करेगा, कैसे चलाएगा? परेशानी हो रही है महंगा सब्जी। 8,000-10,000 रुपये जो कमाएगा महीनली वो कहाँ से ला पाएगा? किसी में नौकरी करते हैं हम सर? प्राइवेट कंपनी में है, अरिस्टो फार्मास्यूटिकल्स प्राइवेट लिमिटेड में। हमको 12,000 सैलरी मिलती है। अब उसी में सोचिए कितना महंगाई है, प्लस बहुत मुश्किल एकदम, इतना ज़्यादा बजट भी गड़बड़ा गया है एकदम, बहुत ज़्यादा बजट गड़बड़ा गया, मत पूछिए। खाना पीना महंगाई है, सब पर्व त्यौहार इधर सर पे है, समझे? पर्व त्यौहार सब है, अभी छठ पूजा है, अभी दीपावली में इतनी महंगा, छठ पूजा में क्या हाल होगा? और ज़्यादा, हाँ तब करना ही पड़ता है पूजा भी, तो उसमें भी इतना महंगाई रहेगा तब तो। तो सब्जी के दामों में भी आग लगे हैं और ऐसे में लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं, लोगों के बजट बिगड़ चुके हैं, घर चलाना काफ़ी मुश्किल हो गया। आपने देखा किस तरीके से लोगों ने बताया है कि पहले 3 सब्जी 100 रुपये में आता था, अब 3 सब्जी लेने के लिए 300 रुपये खर्च करने पड़ते थे। पहले 100 रुपये में पूरी थैला भर के सब्जी ले जाते थे और अब 100 रुपये में केवल एक गोभी आता है। ऐसी महंगाई सब्जी के दामों में आग लगी है, देखते हैं आगे क्या कुछ होता है, कब सब्जी के दामों में गिरावट आती है। फिलहाल हमारे साथ बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पेज को लाइक कर दें। तब तक के लिए धन्यवाद।